वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा कर आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रख रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के इसी क्रम में बढ़ते हैं और जहाँ पे डेली हम करंट अफेयर की टॉपिक की बात करते हैं, उन्हें टॉपिक की अगर चर्चा की बात करें तो यहाँ पे कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हम उनकी आज रिलेटेड बात करेंगे। जहाँ पे हम बात करेंगे ऑपरेशन कच्छप को लेकर कि क्या है ऑपरेशन कच्छप, किस तरीके से राजेश खुफिया निदेशालय द्वारा हाल ही में नागपुर, भोपाल और चेन्नई के जैसे विभिन्न लगभग 955 जीवित ज्योतिषीय गंगा कछुआ थे, इनको 6 व्यक्तियों के साथ पकड़ा है, तो ऑपरेशन कच्छप के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हम खादी महोत्सव 2023 जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है महात्मा गांधी की जयंती के उपरांत, जो कि क्या है खादी को बढ़ावा दिया जाना, जहाँ पे वोकल फॉर लोकल की सपोर्ट की बात की गई, इस टॉपिक को भी यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद हम टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे जो mRNA टीके होते हैं उसको लेकर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे सेंट वॉन जो प्रवाल है, जो प्रवालों को लगातार समस्याएं देखी जा रही है क्योंकि जलवायु परिवर्तन कारण क्या हो रही है कि उस्मन का प्रभाव बढ़ रहा है। उस्मन के प्रभाव का मतलब तात्पर्य है कि लगातार क्या हो रही है कि समुद्री जो जलवायु है उनके गर्म होने के कारण यहाँ पे जलवायु परिवर्तन कारण जो प्रवाल भित्तियां हैं उन पे लगातार उनकी हास हो रही है, मतलब लगातार वो नष्ट होते जा रहे हैं, उसको लेकर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार 2023 को लेकर बात करेंगे। और जैसा कि आज सभी को पता है, आज लगातार आज भी मतलब एक पुरस्कार प्राप्त हुआ है यहाँ पे, तो देखेंगे नोबेल पुरस्कार को लेकर क्या क्या नोबेल पुरस्कार की चीजें उन पे बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे सैना सुरंग को लेकर, जो कि अभी अरुणाचल प्रदेश की पश्चिम कामेंग जो जिला है यहाँ पर जो है सेला सुरंग के बारे में को लेकर बात करेंगे, किस तरीके से सेला सुरंग जो यहाँ पे टनल है इसको लेकर क्या करेंगे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे लेवरेंजिंग बिंदु के बारे में, जो लॉरेंस बिंदु है यह अंतरिक्ष में कैसी जगह होती है जहां पे पृथ्वी और उसके जो भी दो जैसे मान लीजिए पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के बीचों बीच जहां पे कोई भी क्या होती, जहां कोई किसी का भी आकर्षण बल काम नहीं करता, ना पृथ्वी का ना सूर्य का, तो उसी के पॉइंट को हम यहाँ पे क्या कहते हैं लॉरेंजियम बिंदु कहते हैं, जहां पर कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जुम्बो की, आखिर जुम्बो के बारे में देखेंगे कि ये जो जुपिटर मास बाइनरी ऑब्जेक्ट है इसको देखेंगे, यहाँ पे हाल ही में तारों के संबंध में कोई अंतरिक्ष में जो पाए गए हैं इनको लेकर क्या करेंगे हम बात करेंगे, किस तरह की सारी चीजें हैं। फिर हम यहाँ पे लास्ट टॉपिक की बात करेंगे जहाँ पे हम डेली बात करते हैं समाचार में स्थान को लेकर, आज के समाचार स्थान में लेकर हम बात करेंगे बोजन्ना कोंडा को लेकर, यह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास स्थित शहर है जहां पे हम इसकी क्या करेंगे बात करेंगे कि क्या है बोजन्ना कोंडा के बारे में। ठीक, इसको बढ़ने से पहले एक बार हम प्रश्नों की श्रृंखला में देख लेते हैं कि आज के प्रश्नों की श्रृंखला में क्या क्या है। तो भारत ड्रोन शक्ति जो प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन किस राज्य में हो रहा है, तो आपको इसका जवाब देना है। आपका जो प्रश्न है प्रश्नों की श्रृंखला में जो पहला प्रश्न है वो यही है कि भारत की ड्रोन शक्ति प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हो रहा है, उसका नाम बताइए। दूसरा जो प्रश्न है वो यही है कि 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने की है। एक, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता है, इसका भी आपको जवाब देना है। और किस कंपनी में इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, आप इसको लेकर भी क्या करेंगे इसका जवाब देंगे। और इन सभी का जवाब हम लास्ट में जब सारे यहाँ पे अपने न्यूज एनालिसिस को कवर कर लेंगे तो इसका जवाब हम आपको बताएंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट को और यहाँ पॉइंट पे बढ़ने से पहले सारी चीजों को देख लेते हैं कि आज के महत्वपूर्ण हमने टॉपिक यहाँ पे देख लिया। अब हम बात करेंगे कि खादी महोत्सव 2023 आखिर है क्या। तो हमारा यहाँ पे पहला टॉपिक है, वो पहला टॉपिक इसका है खादी महोत्सव 2023 को लेकर, आखिर एक मिनट, तो खादी महोत्सव 2023 की अगर बात करें तो हाल ही में क्या हुआ है कि जो खादी केंद्रीय खादी मंत्री इनके द्वारा महात्मा गांधी की जयंती मनाने के लिए, किसकी महात्मा गांधी जयंती मनाने के लिए खादी महोत्सव स्टार्ट किया गया है।
जब ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया तो इसके फायदे क्या होंगे? इसके फायदे यही होंगे जो वोकल फॉर लोकल है या आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है, इसके पहल को क्या होगा? समर्थन प्राप्त होगा। और इसी समर्थन के उपरांत खादी महोत्सव को क्या किया गया, यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, ठीक है। क्योंकि खादी और ग्रामोद्योग जो केवाईसी के क्षेत्र में उल्लेखनीय क्या है कि वृद्धि दर्ज की है, और वित्त क्षेत्र 2014-15 में लगभग यहाँ पे 33,000 करोड़ रुपए की क्या है बिक्री दिखी गई है, और यह 2022-23 में लगभग 1,34 करोड़ कुछ मतलब 1,34 करोड़ रुपए की लगभग यहाँ पे देखा गया है खादी ग्रामोद्योग की केवाईसी को लेकर। और जिस तरीके से खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादन में वृद्धि हो रही है, इसे आने वाले समय में लगभग 3 गुना वित्त बढ़कर 22-23 में करोड़ होने की संभावना है। क्योंकि जो खादी हथकरघा हस्तशिल्प जो स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है खादी महोत्सव, यह कब तक चलेगा? यह 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक इसको चलाया जाएगा, जहां पे वोकल फॉर लोकल या आत्मनिर्भर भारत अभियान के पहल को समर्थन देना है। इससे क्या होगा? इससे यही फायदा होगा जो खादी और ग्रामोद्योग के जो उत्पाद होते हैं, जो कपड़े हो गए या जो भी इससे उत्पाद से जुड़े होते हैं, उनकी बिक्री को क्या किया जाएगा, यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा, उनकी जो मार्केट की वैल्यू हो उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा? उसके लिए खादी हथकरघा हस्तशिल्प जो स्थानीय उत्पाद है, इनको क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। और यही शामिल करके खादी महोत्सव 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक क्या किया जाएगा? चलाया जाएगा, ठीक। बात करें तो स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, इससे रोजगार के अवसरों की एक प्रतियोगिता होगी, लोगों में जागरूकता की भावना आएगी, और प्रदर्शनी सहित जो विभिन्न गतिविधियां होंगी इसके उत्सव में क्या होगा, एक हिस्से के तौर पर इसे देखा जाएगा। और फायदा किसको होगा? जो स्थानीय उद्योगों के जो व्यापार हों उनको बढ़ावा दिया जाएगा। और इस बढ़ावे से फायदा क्या मिलेगा? तो इस बढ़ावे से फायदा यही मिलेगा कि रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, ठीक है। क्या होंगे? रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है या वोकल फॉर लोकल, इससे क्या होगी? आम जनता में जागरूकता अभियान भी आएगी कि कहीं ना कहीं वो क्या करे, स्वदेशी चीजों को अपनाने के लिए प्रेरित हों, ठीक। आखिर खादी के बारे में चीजें हैं क्या, जिस खादी को हम प्रमोट करना चाहते हैं यह है क्या? तो दरअसल जिस खादी की अगर हम बात करें तो खादी मतलब क्या होता है? खद्दर, खद्दर से या हाथ से काटा गया या जो हाथ से बुना गया जो प्राकृतिक फाइबर के कपड़े होते हैं, जिसको अगर देखा जाए तो इसको प्रमोट हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी क्या किया था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो आत्मनिर्भरता के प्रतीक के तौर पर इसको प्रचारित किया था, लगातार उन्होंने खुद ही इस चीज को प्रमोट किया था। खादी जो खद्दर से प्राप्त होता है, जिसको हाथ से काटा जाता है, हाथों की मशीनों से इसको बनाई जाती है, इसमें प्राकृतिक फाइबर के कपड़े शामिल होते हैं। और इसकी अगर बात करें तो महात्मा गांधी जी ने भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इसको काफी ज्यादा प्रमोट किया। वो खुद ही आप जब भी एक फोटो भी अगर उनकी देखते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, हाथों में चरखा लेकर क्या होते चलाते रहते थे, कहीं ना कहीं वो क्या करते लगातार आत्मनिर्भरता के प्रतीक के तौर पर इसको प्रचार करते थे। और इसी खादी हथकरघा हस्तशिल्प जो स्थानीय उत्पाद होते थे उनको गांधी जी द्वारा क्या किया जाता, उनको बढ़ावा दिया जाता था। हालांकि अगर बात करें तो खादी के पहले टुकड़े की लेकर बात करें तो 1917-18 में, कब, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, 1917 और 1918 में अगर ये बात करें तो ये इसी समय क्या है, चंपारण आपको आंदोलन भी देखने को मिलते हैं, जहां पे रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा गांधी जी को कहां बुलाया जाता है, चंपारण में, ठीक। तो 1917-18 में साबरमती आश्रम बनाया गया, जब कहां पर, तो जब आश्रम में बनाया गया गुजरात में, तो यहीं पर पहला खादी के पहले टुकड़े का जो है इस्तेमाल किया गया। क्योंकि खादी जो कपास रेशम ऊन से बनाई जाती है और इसे चरखे पे क्या किया जाता है, काटा जाता है, तो जब काटा जाता है किस पे, चरखे पर, तो गांधी जी के प्रतीकों के तौर पे क्या इस्तेमाल किया जाता था, गांधी जी प्रतीक के तौर पे चरखे का इस्तेमाल करते थे। और इसी चरखे के उपरांत यहाँ पे रेशम व ऊन की बुनाई की जाती थी। यह अपने बहुआयामी उपयोग के लिए भी जाना जाता है, जो लोगों को गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में क्या करता है, गर्म रखने के लिए भी जाना जाता है। ये जो कपड़े होते हैं इसका बहुआयामी उपयोग किया जा सकता है, मतलब इसके उपयोग की जो व्याप्तता है वो बहुत काफी ज्यादा है, जिसके कारण क्या होता है कि ठंडी में यह जो है गर्म के एहसास देते हैं, गर्मियों में ठंड के एहसास, इस टाइप के भी यहाँ पे कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक। हालांकि अगर बात करें तो भारत में इसके प्रमोट कब किया गया,
तो भारत में जब स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया, स्वदेशी आंदोलन कब, 1905 में, इसी दौरान भारत ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने, ये जो खादी कपड़े होते थे, इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के दौरान, जब उस समय गांधी जी आंदोलन के नेतृत्व करने के लिए सोचे थे, तो उसी टाइम क्या हुआ था कि जब भारत में लगातार इसका आह्वान किया गया और स्वदेशी आंदोलन के दौरान यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई थी। ठीक है, हालांकि अगर बात करें तो अमेरिकी गृह युद्ध के कारण ब्रिटेन में कच्चे कपास का संकट पैदा हो गया था। अगर इसी स्टोरी कहानी की बात करें तो भारत में कपास की, मतलब जो खादी उद्योग बढ़ावा कैसे मिला, तो खादी उद्योग बढ़ा यही होता कि भारत में उस समय क्या किया गया था, फसलों का विविधीकरण कर दिया गया था, मतलब फसलों का जो वाणिज्यकरण था उसका वो कर दिया गया था। जब अंग्रेज के जमाने थे, ब्रिटिश शासन अधिनियम था, तो जब फसलों का वाणिज्यकरण कर दिया गया तो यहाँ पे कपास की भी खेती की जाने लगी, नील की खेती, कपास की खेती की जाने लगी। क्योंकि अगर उसी टाइम सिचुएशन देखिए, जब उस समय अगर देखे तो आजादी के एक आंदोलन के दौरान देखे, तो उसी समय अमेरिका की भी बात करें तो अमेरिका में क्या हो कि गृह युद्ध के कारण वहां पे ब्रिटेन से जो कपास का कच्चा उत्पादन होता था वो बंद हो गया ब्रिटेन के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारतीय कपास को कम कीमतों पे प्राप्त करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसे ब्रिटिश उपनिवेशिक सरकार ने जब कपड़े के लिए कच्चे माल के ब्रिटिश की मिलों में निर्यात किया, जिससे क्या हुआ, इससे भारत में कपड़े फिर से आयात किया जाने लगा, जिससे कीमतें क्या हुई, भारत में बढ़ गई। और ब्रिटिश उपनिवेशिक सरकार ने जो बढ़े हुए कीमतें हैं इनको क्या किया, इनको भारत में बेचना स्टार्ट किया। और इसी कारण क्या हुआ कि लगातार यहाँ पे जो कुटीर उद्योग थे, जो टक्कर नहीं दे पाए, ये क्या हुए, ये खत्म होते चले गए। और इससे क्या हुआ, इससे प्रभाव ये हुआ कि गांव की और जो इनकी जो पलायन हुई, जो कुटीर उद्योग में लगातार बर्बाद हुए, कहाँ हुए, जो पलायन गांव की ओर हुआ। ठीक, इनका प्लान क्या हुआ, तो इनका प्लान गांव की ओर हुआ। और गांव की ओर जब बढ़े, इससे खेती पे दबाव बढ़ा, और खेती पे दबाव बढ़ा तो क्या हुआ, एक प्रचंड बेरोजगारी देखी गई। और इसी प्रचंड बेरोजगारी के साथ समस्या क्या हुई, इसी प्रचंड बेरोजगारी के साथ जो समस्या देखी गई वो समस्या ये रही कि यहाँ पे लगातार क्या हुई, अकाल व भुखमरी की समस्या देखी गई। तो 1922 में लगातार यहाँ पे जो देखा जाए तो राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक खादी विभाग स्टार्ट किया गया, जिसे अखिल भारतीय खादी बोर्ड और या अखिल भारतीय स्पाइनर एसोसिएशन का गठन किया गया। हालांकि विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया गया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान, इसे राष्ट्रवादी राजनेताओं और भारतीय मिल मालिकों का भी क्या है, समर्थन प्राप्त था। अगर बात करें तो गांधी जी ने कांग्रेस के सदस्यों को कटाई और बुनाई को बढ़ावा देने के लिए स्वयं कपास काटने के लिए बकाया भुगतानों के लिए प्रोत्साहित किया। यहाँ पे हम खादी के बारे में जो जो सारी जानकारियां देख रहे, उस जानकारी के दौरान हमने ये भी देखा किस तरीके से औपनिवेशिक शासन के दौरान जब हम राष्ट्रवाद की एक लड़ाई लड़ रहे थे, तो वहां पर हमने देखा कि मतलब खादी ने क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किस तरीके से खादी का गठन किया गया 1922 में, जहां पर अखिल भारतीय खादी जो बोर्ड अधिनियम है और अखिल भारतीय जो स्पाइनर एसोसिएशन 1922 में गठन किया गया कांग्रेस के द्वारा। और फिर गांधी जी ने भी स्वयं क्या किया कि कांग्रेस मतलब खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कताई और बुनाई का काम किया, साथ ही साथ जो भुगतान बकाया भुगतान थे उसको प्रेरित करने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। तो खादी आंदोलन ने क्या किया, समय के साथ धीरे धीरे विकसित होता गया और इसके आर्थिक समाधानों पर ध्यान केंद्रित लगातार सरकार करती गई, लेकिन अभी भी वह उत्साहजनक प्रदर्शन नहीं देखा जा रहा। लगातार कहीं ना कहीं इनके उद्योगों में कमियां देखी जा रही, क्योंकि जिस तरीके से गांधी की व्यक्तिगत जो प्रतिबद्धता थी केवल धोती पहनना और आवश्यक होने पे उन्हीं साल को उपयोग करना शामिल था। गांधी जी क्या पहनते थे वो सिर्फ धोती पहनते थे और ठंड के टाइम बहुत ज्यादा हुआ तो उन्हीं साल का उपयोग करते थे, लेकिन वो किससे बने होते थे, वह खादी से बने होते थे। तो सोचिए गांधी जी ने खादी को प्रमोट करने के लिए कितना बढ़ावा दिया, क्योंकि जो खादी आंदोलन बांग्लादेश के कोमिला जैसे क्षेत्रों में फैला उसका कारण क्या था कि उसका बुनाई का केंद्र क्या था कि ये इन्हीं सब क्षेत्रों में स्थापित थे। तो गांधी जी के जब ये चीजें प्रमोट करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसलिए गांधी जयंती के अवसर पे हमने इसको स्टार्ट किया, कौन सा, खादी महोत्सव 2023। ठीक,
अब बात करते हैं कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बारे में यह क्या है। तो दरअसल ये जो आयोग है जिसको खादी और ग्रामोद्योग आयोग कहा जाता है, इसकी अधिनियम 1956 द्वारा क्या किया गया था, इसको स्थापित किया गया था। यह सूक्ष्म लघु व मध्यम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। केवीआईसी की स्थापना 1957, मतलब अगर इसकी स्थापना की बात करें खादी और ग्रामोद्योग आयोग की, जिसकी 1957 में की गई थी, तो 1965 और 2006 में इसमें लगातार संशोधन किए गए और एक महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय के तौर पे है अभी। अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो इसका उद्देश्य यही है कि रोजगार को बढ़ावा देना, खादी वस्तु का विपणन करना, ब्रिक की जो लगातार मार्केटिंग इसकी बढ़ाना, समाज के जो वंचित व ग्रामीण वर्गों को क्या है लगातार इसके माध्यम से सशक्त करना। ठीक, अगर योजनाओं की बात करें तो लगातार अभी करंट में कौन कौन सी योजनाएं चल रही है खादी ग्रामोद्योग को लेकर, तो यहाँ पे एक है केवीआईसी जो पीएमईजीपी है, ठीक है, इसको लाया गया है। यह राष्ट्रव्यापी क्या करती है, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक क्रेडिट लिंक जो सब्सिडी होती है इस कार्यक्रम को स्टार्ट करता है। साथ ही साथ ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र है इसको लेकर क्या करता है, बैंकिंग संस्थानों को धन एकत्र करता है। इसके माध्यम से केवाईसी को द्वारा क्या किया, इसको कार्यान्वित किया जाता है। तीसरा अगर बात करें तो यहाँ पे तीसरा है बाजार संवर्धन विकास सहायता, जिसको कहा जाता है एमपीडीए। ये इसका अगर बात करें जो तीसरा यहाँ पे योजना है यह क्या करता है, इसका उद्देश्य कारीगरों के लिए आय बढ़ाना होता है। इसकी सहायता के लिए यहाँ पे कुछ वितरण किए गए जिनमें 40% कारीगर और जो उत्पादन करते हैं 40% वो, और जो सेलिंग करते हैं 20% वो अपने पास क्या रखते हैं, बाजार संवर्धन में रखते हैं। ठीक, अब बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑपरेशन कच्छप को लेकर। आखिर ऑपरेशन कच्छप किस तरह से स्टार्ट किया गया है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं कच्छप कछुओं को लेकर क्या किया गया है, एक यहाँ पे ऑपरेशन कच्छप स्टार्ट किया गया है। लगातार जो राजस्व खुफिया निदेशालय जिसको DRI कहते हैं, ठीक है, तो यह क्या करता है, यह लगातार जो कछुओं को यहाँ पे संरक्षण प्रदान कर रहा है, जिसके माध्यम से हाल ही में नागपुर भोपाल और चेन्नई में कई जगह जिन्हें छापे करके 995 जो छोटे कछुए थे इनको जीवित पकड़ा है। ठीक, अगर ये बात करें तो ऑपरेशन खुफिया जानकारी पर आधारित होती है और जहां पर इन कछुओं की अवैध तस्करी शामिल होता है इसका क्या किया जाता है, इसका पर्दाफाश किया जाता है। इनमें से जैसे कुछ जो कछुए होते हैं जिनको IUCN के रेड लिस्ट मतलब लाल डाटा, एक ऐसा डाटा होता है जहां पे क्या होता है कि निगरानी रखी जाती है जीव जंतुओं की, कौन से जीव जंतु खतरे में है उसको लेकर यहाँ पे क्या किया जाता है, एक रेड लिस्ट जो IUCN के द्वारा जारी किया जाता है उसमें सभी के डाटा मौजूद होते हैं। तो जो यहाँ पे कछुए पाए गए हैं उनमें से कुछ IUCN के रेड लिस्ट में भी थे, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कमजोर या लगभग खतरे वाली प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। या इस ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप 6 व्यक्तियों को पकड़ा गया है और कछुओं के बच्चे को क्या है, बरामद किया गया है। बचाए गए जो गंगा के कछुओं की प्रजातियां हैं इनमें अगर बात करें तो इनमें है इंडियन टिन टर्टल, ठीक है, इंडियन फ्लैश जो फ्लैपसेल टर्टल है, मतलब जो कछुए हैं वो एक तो इंडियन फ्लैपसेल कछुए हैं, एक इंडियन टिल्ट है, दूसरा तीसरे का नाम है ब्लैक स्पॉन्डेंट या पॉन्ड टर्टल, ठीक है, एक है ब्राउन रूफ्ड टर्टल। यह सब क्या करते हैं, ये DRI के प्रयासों का उद्देश्य यही है कि जो इनके तस्करी या जो भी इनकी तस्करी से क्या है कि जो लगातार घटनाएं हो रही इनको रोका जाए और इनके व्यापार व निवास स्थान के संरक्षण के खतरों से क्या किया जाए, इनको बचाया जा सके। अब बात करते हैं जो कछुओं की प्रजाति भारतीय टेंट जो कछुआ है यह क्या है, अगर इस प्रजातियों की बात करते हैं पसगुरा टेंट प्रजातियों से संबंधित है, इसका समान नाम है पचेरा। क्या नाम है इसका, इसका समान नाम है पचेरा, इसको कहते हैं मझारी कथा बंगाली में, बंगाली क्या कहते हैं इसको मझारी कहते हैं और इंग्लिश इनको कहते हैं इंडियन टेंट टर्टल, ठीक है, भारतीय टेंट कछुआ। ठीक है, अगर इसकी लंबाई की बात करें तो यह 11 से लेकर 12 इंची तक होती है लंबाई, ठीक है, और IUCN की संरक्षण की स्थिति की बात करें तो IUCN के रेड लिस्ट में सबसे कम संवेदनशील वाला क्या है विषय, मतलब अभी इसको खतरे की कमी है और मतलब दोनों ज्यादा खतरा अभी इस पर नहीं आया है। ठीक, प्राकृतिक आवासों की बात करें तो कई सारे नदियों में निवास करते हैं, तालाबों में निवास करते हैं, जहां पर महानदी गोदावरी गंगा जैसी मुख्य नदियां जहां पर ये रहते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जो जो कतनरिया घाट वन्य जीव अभयारण्य या दुधवा टाइगर रिजर्व है यहाँ पे स्थानीय प्रजाति के तौर पे जानी जाती है। ठीक, अब बात करते हैं फ्लैपसेल कछुआ को लेकर।
फ्लेक्सर कछुओं की बात करें तो 14 इंची तक होती है, और इसकी सामान्य नाम बात करें तो मटिया, सुंदरी, तिलकाची, पाल, जो पालामाई तमिल है, इन सब में क्या होती है, जानी जाती है, ठीक है। हालांकि अगर इसकी बात करें, हालांकि इसकी बात करें तो यह जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची जो एक है, इसमें कमजोर श्रेणी में क्या है, वर्गीकृत है। किसमें है, एक कमजोर श्रेणी में वर्गीकृत है, क्योंकि अगर इसकी वितरण की बात करें तो चंबल राष्ट्रीय उद्यान, चंबल राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का झील, गहीर माता झील, दुधवा टाइगर रिजर्व, पंजाब का जो हरिके झील है, हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य जो झारखंड में, काजीरंगा असम में है, केवला राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, इस तरीके से यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे पाई जाती है। इसी तरीके से क्राउन नदी कछुआ भी है, अगर इसकी बात भी करें तो यह भी जो है देखा जाए तो वितरण इनका लगभग समान ही है। और संरक्षण की स्थिति की बात करी जाए तो यह अनुसूची वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम है उसके अनुसूची 3 के तहत इनको रखा गया है, जहां पे अनुसूची 1 में लुप्त प्राय की श्रेणियों को वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन ये किसमें है, अनुसूची 3 में है, ठीक है। वितरण की बात करें तो ये चपटे गहरे भूरे आवरण के होते हैं और मीठे पानी की कछुओं के तौर पर इन्हें जाना जाता है, ठीक। फिर काला चित्तीदार तालाब कछुआ, तालाब कछुआ जो आप सामान्य तौर पे गाँव में देखा जाता है, अगर इसकी बात करें तो जियो क्लेमसन हैमिल्टन इसका वैज्ञानिक नाम है। और अगर बात करें संरक्षण की स्थिति को तो आईसीएम की रेड लिस्ट है, या भारतीय अनुसूची की लुप्त प्राय श्रेणी में वर्गीकृत है। और वितरण की बात करें तो सर और आंखों पे विशिष्ट पीले और सफेद धब्बों वाला कुछ कछुओं का धब्बा होता है, जिसको कार्पिसस या प्लास्ट्रन काले धब्बों के साथ पीला होता है, उसके पैर क्या होते हैं, झिल्लीदार होते हैं, ठीक। चलिए अब बात करते हैं इस टॉपिक में एमआरएनए टीके को लेकर, तो एमआरएनए टीके से पहले हम देख लेते हैं कुछ और टॉपिक, इसके बाद फिर हम बात करेंगे एमआरएनए टीकों को लेकर, ठीक। चलिए यहाँ पे बात करते हैं पीटी से रिलेटेड टॉपिक को लेकर, जहाँ पे बात करेंगे हम स्टेघोन प्रवाल को लेकर। आखिर स्टेघोन प्रवाल, स्टेघोन प्रवाल को लेकर अगर बात करें तो स्टेघोन प्रवाल जिसको कैरेबियन क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रवाल प्रजातियों में से एक के तौर पे जाना जाता है, ठीक। अगर बात करें तो एल्कॉन, या एल्कॉन की बात करें तो कोरल या स्टार कोरल के साथ इनके लगभग 5,000 वर्ष कैरेबियन जो प्रवाल भित्तियां हैं के निर्माण के इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ये उथले पानी की घने समूह बना सकता है जिन्हें झाड़ियां भी कहा जाता है। इनकी कॉलोनियां आमतौर पे कहाँ होती हैं, सुनहरे कलर जो उनके होते हैं सुनहरे भूरे होते हैं, या इनके सिरों पे हल्के रंग की क्या होते हैं कलर, यहाँ पे भूरे रंग पाए जाते हैं। ये क्या होती है, जिस टाइप का आपको चित्र में दिख रहा होगा, तो जो यहाँ पे चित्र में दिख रहा है इस टाइप की, ये क्या होती है, प्रवाल भित्ति होती है। तो प्रवाल भित्तियां क्या होती है, लगातार इन पे जलवायु परिवर्तन के कारण समस्याएं के तौर पे देखी जा रही। अब इनके समक्ष एक संकट उत्पन्न हो गया, क्यों, क्योंकि लगातार यहाँ पे प्रवाल भित्तियों कई सारी समस्याएं देखने को मिल रही। पहला जो समस्या है वो यही है कि जलवायु परिवर्तन, क्योंकि लगातार समुद्र के क्या है, तापमान बढ़ता जा रहा है, और तापमान बढ़ने के कारण क्या है, समुद्र खारा, अम्लीकरण होती जा रही। इस अम्लीकरण के कारण क्या हो रही कि प्रवाल भित्तियों को नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही साथ जो बड़े बड़े जहाज चलते हैं तो जहाजों के जो पंख होते हैं, जो टरबाइन जो उनके पंख होते हैं, उसको घूमने के कारण क्या होता है, उसे घूमने के कारण भी ये क्या होते हैं, नष्ट की ओर जाती है। उसके बाद बात करें तो रोगों के लेकर, क्योंकि इनमें विशेष रूप से व्हाइट बैंड एक रोग होता है वह पाया जाता है, इसके कारण क्या होती है, इसे व्हाइट प्लैग जैसी बीमारी के तौर पर भी जाना जाता है, जो इसके लिए काफी संवेदनशील होती है, ठीक। अगर तीसरे की बात करें, तीसरा जो उसके नुकसानों की बात करें, तो मछली पकड़ने का दबाव लगातार क्या है कि लोगों द्वारा जो मछली ज्यादा पकड़ने का दबाव है, मछली पकड़ने क्या है कि लगातार इनमें दबाव है, उस दबाव के अनुरूप यहाँ पे क्या है कि इनकी पारिस्थितिक तंत्र में, क्योंकि लोग क्या होते हैं मूंगा चट्टान पारिस्थितिक तंत्र में क्या होते हैं, बाधित हो जाते हैं, जिसके कारण है एक हार्म या नुकसान पहुंचता है। व्हाइट बैंड रोगों के बारे में बात करें तो व्हाइट बैंड जो प्रवाल की भित्तियों को क्या करता है, एक सामान्य से ऊतक के तौर पर जाना जाता है, एक रोग होता है, क्या एक सामान्य ऊतक रोग है। और यह रोग उत्पन्न करने वाले जो सटीक रोग जनक निश्चित रूप से पहचान नहीं की गई, लेकिन इसके अध्ययनों में पता चला है कि यह प्रकृति में क्या है, संक्रमक संक्रामक है, ठीक।
चलिए बात करते हैं नोबेल पुरस्कार को लेकर। बात ये करते हैं कि जब से नोबेल पुरस्कार स्टार्ट किया गया है 1901 में लेकर, नोबेल पुरस्कार कब स्टार्ट किया गया था? तो नोबेल पुरस्कार 1901 में। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना प्रसिद्ध जो आविष्कारक हैं, उद्यमी हैं, या जो वैज्ञानिक थे अल्फर्ड नोबल, इनकी क्या है कि इनकी जो मृत्यु हुई तो उनके वसीयत में जो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, या जो बायोलॉजी से लेकर चिकित्सा, साहित्य या शांति में जो भी अपना योगदान देते हैं उनको लिए क्या किया गया, एक पुरस्कार के तौर पर देखा जाए तो दुनिया भर का सबसे नोबल प्रतिष्ठित पुरस्कार है। अगर पहली बार बात करें तो 1901 में इसको प्रदान किया गया था, तब से लगातार प्रतिवर्ष क्या है, दान दिया जाता है। ठीक है, अगर बात करें तो नोबल दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि अल्फर्ट नोबल की क्या है, पुण्यतिथि के तौर पे जाना जाता है। और इसी दिन नोबल पुरस्कार क्या होता है, प्रदान भी किए जाते हैं। पहले भारतीय कौन थे जिन्हें नोबल पुरस्कार दिया गया था? तो पहले भारतीय जो थे उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम था? रविंद्रनाथ टैगोर, जो पहले एशियाई थे जिन्होंने 1913 में गीतांजलि नामक साहित्य को लेकर इन्हें पे क्या हुआ था, नोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसको लेकर गीतांजलि 1913 में, 1913 में गीतांजलि नामक पुस्तिका को लेकर इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बात करें तो यहाँ पे रुकावटें कितनी बार है, मतलब पहली बार इसको कब रुका गया था, तो पहली बार इसको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, और साथ ही साथ दूसरी बार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नोबेल पुरस्कार देने में क्या होती है, रुकावटें आई थी। ठीक, चिकित्सा में अगर बात करें तो इस साल का जो चिकित्सा, आज फिजिक्स में भी नोबेल पुरस्कार मिला है, लेकिन हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वहां पे चिकित्सा पुरस्कार की बात कर रहे हैं। कल हम बात करेंगे यहाँ पे फिजिक्स में किसको नोबेल पुरस्कार मिला है, तो कल थोड़ा सा टॉपिक यहाँ पे हम देख लेंगे और उनको कवर कर लेंगे, तो कल हम उसकी चर्चा कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला उनका नाम है कातालिन कारिको और डू बिस्मैन को लेकर इन्हें पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने क्या किया कि जो mRNA कोविड टीके थे, जो mRNA कोविड की वैक्सीन थी, इसको बनाने में क्या हुआ था, इन्होंने अपनी योगदान दिया हुआ था। इसलिए यहाँ पे जो mRNA टीके हैं जिनको लेकर अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, वो टॉपिक क्या है, चर्चा का विषय रहा है। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे सैरा सुरंग को लेकर। सैरा सुरंग को लेकर बात करेंगे, तो सैरा सुरंग के लेकर बात अगर करें तो क्या है सैरा सुरंग? सैरा सुरंग अरुणाचल प्रदेश के जो पश्चिमी कामेंग जिले में क्या स्थित है। सैरा सुरंग के पूरा होने के बाद यहाँ पे 1300 फीट से अधिक ऊंचाई पे दुनिया की सबसे ऊंची लंबी जो द्रिलेन सुरंग होती है वह क्या होती है, शामिल है। ठीक, यह क्या है, जब यह पूरा कंप्लीट हो जाएगी तो दुनिया की 1300 फीट ऊंचाई वाली यह दुनिया की सबसे लंबी द्रिलेन सुरंग होगी। ठीक है, और कहाँ पर बन रही, तो अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिले में। अगर बात करें तो यह असम में गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश के तमांग के बीच का होगी, हर एक मौसम के बीच यहाँ पे कनेक्टिविटी का जुड़ाव होगा। इसको कौन बना रहा है, इसको बीआरओ द्वारा क्या किया जा रहा है, निर्मित किया जा रहा है, और 1 अप्रैल 2019 से इस प्रोजेक्ट के जो प्रोजेक्ट है, इसको प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट वर्तक, इसके निर्माण के लिए क्या है, जिम्मेदार है। परियोजना के घटक को लेकर बात करें तो यहाँ पे लगभग 2 सुरंगें बनाई जा रही है, एक 980 मीटर लंबी जो एकल ट्यूब सुरंग है, दूसरा है 1515 मीटर लंबी दो लेन वाले एक सुरंग है, जिसे आपात स्थिति के लिए एक बचाव सुरंग भी यहाँ पे शामिल किया गया। ठीक है, सैरा सुरंग से बात करने से पहले देख लेते हैं सैला दर्रा क्या है, क्योंकि जो ये बनाया जा रहा है कहाँ पे बनाया जा रहा है, ये सैला दर्रे के पास बनाया जा रहा है। सैला दर्रा कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश के जो तवांग जिला है, इसी तवांग जिले में एक उच्च ऊंचाई वाला जो पहाड़ी दर्रा है, यह समुद्र तल से 4170 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। और सैला दर्रा क्या है, तवांग घाटी का शेष भारत से जोड़ता है और पूरे वर्ष खुला रहता है, जिसका प्रबंधन कौन करता है, बीआरओ द्वारा किया जाता है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा क्या किया जाता है, इसको देखरेख किया जाता है। ठीक, चलिए बात करते हैं लैग्रेंजम बिंदु को लेकर। आखिर लैग्रेंजम बिंदु जो पॉइंट है, जो अंतरिक्ष में उपस्थित स्थान है जहां पे गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होते हैं, जिसमें एक वस्तु अपेक्षाकृत क्या होती, स्थिर होती है, उसको लेकर क्या करते हैं, हम यहाँ पे बात करेंगे। प्रकारों की अगर बात करें यहाँ पे 5 लग्रेंजियन बिंदु शामिल है, जिसको अगर देखें यहाँ पे 5 लग्रेंजियन बिंदु क्या होती है,
दरअसल मान लीजिए मैंने आपको जैसे बताया, ये हो गया सूर्य, ये हो गया क्या, सूर्य, ठीक। एक ऐसी बिंदु जहां पे क्या होगी, सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो क्या होगा, यहाँ पे संतुलित हो जाएगी। मतलब कि जैसे ये पृथ्वी हो गई और ये सूर्य हो गया और इसके लिए एक बीच की जगह है, ठीक। ये बीच की क्या होगी, जैसे मान लीजिए मैंने इसको पकड़ लिया और ये इस साइड को आप पृथ्वी मान लीजिए, इस साइड को आप क्या सूरज मान लीजिए, और जब इन दोनों के बीच की कोई ऐसी बिंदु जहां पे कोई चीज का बल नहीं लगता, वो वहां स्थिर होकर से घूम रही है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को लग्रंजन बिंदु कहते हैं। और इस टाइप के लगभग 5 बिंदु होते हैं जहां पे गुरुत्वाकर्षण या कोई भी अपनी और क्या होता है उसको आकर्षण नहीं कर पाता, और वह उसी बिंदु में क्या होता है रहकर उसका क्या करती है, लगातार चक्कर लगाती रहती है। क्यों? क्योंकि L1 बिंदु क्या है, L1 बिंदु की अगर बात करें तो यह पृथ्वी पे लगभग गतिहीन उपस्थिति या प्रभावी संचार के कारण उपग्रहों अंतरिक्ष यान के लिए क्या होता, आदर्श जगह है। यहीं से क्या होती है, अंतरिक्ष यान जो उपग्रह होते हैं वो L1 बिंदु जहां पे क्या होती है पृथ्वी और सूरज को लेकर जो गुरुत्वाकर्षण है वो संतुलित रहती है। सॉरी सॉरी, तो L1 बिंदु पे क्या होता है कि यहीं पे जो हमारे संचार के उपग्रह छोड़े जाते हैं जिसके माध्यम से लगातार यहाँ पे जो संचार की क्रिया होती है, जैसे आप जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलते हैं संचार में, तो उसको लेकर यहाँ पे अंतरिक्ष यान के लिए एक आदर्श जगह होती है। अगर खगोलीय वेधशालाओं की बात करें तो यहाँ पे पृथ्वी सौरमंडल की जो पृथ्वी सौरमंडल को लेकर यहाँ पे जो भी अवलोकन किया जाता है उसके लेकर यहाँ पे वेधशालाएं लग्रंजन बिंदु पे स्थापित की जाती है, और इसी बिंदु पे लेकर क्या करता है ये लगातार जो अंतरिक्ष की खोजें होती है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो मिशन के उपयोगों के तौर पे देखें तो यहाँ पे अभी हाल ही में आदित्य L1 और नासा के मिशनों सहित कई यहाँ पे मिशन स्थित है जो लगातार क्या कर रहे हैं, एक बिंदु पे घूमकर यहाँ पर लगातार खोज कर रहे हैं, ठीक। अगर वही अंतरिक्ष कॉलोनियों को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पे संभावित जगहों को लेकर तो लग्रंजियम बिंदु का जो 4 और 5वां है यह क्या करती है, उनकी स्थिरता कम ईंधन आवश्यकताओं के कारण भविष्य की अंतरिक्ष कॉलोनियों के लिए एक संभावित अंतरिक्ष स्तर क्या होता है माना जा रहा है, ठीक। इसलिए यहाँ पे क्या किया जाएगा, बाद में चीजों को प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए बात करते हैं जुम्बो को लेकर। आखिर जुम्बो के बारे में अगर बात करें तो क्या है जुम्बो, तो जुम्बो दरअसल क्या है, यह टॉपिक की अगर बात करें तो आपके साइंस टेक के टॉपिक से संबंधित है, जहां पे हम बात करेंगे जुम्बो जिसको कहा था जुपिटर मास बाइनरी ऑब्जेक्ट को लेकर। हालांकि अगर बात करें तो पृथ्वी की आकार की एक वस्तुएं हैं, पृथ्वी के आकार की क्या होती है, एक वस्तु होती है जो हाल ही में अंतरिक्ष में पाए गए हैं जिनका तारों से कोई संबंध नहीं है। क्या हुआ है, इनको अभी खोजा गया है जिनका तारों से कोई संबंध नहीं है, इन्हें जोड़े देखा जाते हैं, जोड़े के रूप में देखा गया है, और ये ओरियन नेबुला के एक सर्वेक्षण के दौरान जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा क्या की गई है, इसकी खोज की गई। जेम्स वेब टेलीस्कोप लगातार ये नासा के सहयोगी के द्वारा, नासा और उसके सहयोगी द्वारा क्या किया, इसको लॉन्च किया गया है, जहां पर ये अंतरिक्ष में क्या कर रहा है, अंतरिक्ष में लगातार उसकी जानकारियों की डेटा इकट्ठा करता है, ठीक। तो यहाँ पे इसने देखा, तो इस देखा जहां पे इसने बात की कि पूर्ण तारों के निर्माण करने के लिए जो सामग्री या घनत्व की कमी वाले निहारिका के क्षेत्रों में जुम्बो का गठन किया गया है। अब बात करते हैं ओरियन निहारिका ये है क्या, तो जुम्बो पृथ्वी के निकट सबसे बड़े तारों, ये तारा बनाने वाले क्षेत्र जो ओरियन नेबुला है जिसको M42 में क्या है देखा गया है। ओरियन जो नेबुला है जिसको निहारिका में क्या होते हैं इसका ये होता है, इसमें कई युवा तारे मौजूद होते हैं, जो निहारिका होती है सारे जो नेबुला होते हैं उनमें क्या होती है कि ये फिक्स होते हैं कि कुछ अभी नए तारे बन के निकल के आए हैं, कुछ पुराने बन चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, और कुछ तारे क्या होकर बाद में नष्ट हो जाते हैं। इस तरीके से तारों की क्या होती है, एक वायु होती है, मतलब एक आयु होती है, उसी आयु में उनकी गणना की जाती है, कौन नवीन तारे हैं, मतलब हाले जो बड़े तारे हैं उनको नवीन तारे कहा जाता है। कुछ मध्यम आकार के तारे होते हैं जो मध्य आय, अगर उनकी एज को मापा जाए तो वो बहुत पुराने हो जाते हैं तो मध्य आय होते हैं, और कुछ क्या होते हैं नष्ट की प्रक्रिया होते हैं तो उनको हम कहते हैं कि ये सबसे पुराना है, ठीक।
तो जेम्स वेब टेलीस्कोप की अगर बात करें तो यह क्या करता है, एक उच्च रेजोल्यूशन मतलब इसका जो क्षमता है जो वो काफी अधिक है। यह क्या करता है, रेडिएशन के माध्यम से अंतरिक्ष में दूरबीन है। इसका उपयोग संरक्षण के लिए किया गया है और लगभग 1400 प्रकाश वर्ष की अभी भी देखा जाए तो दूरी पे है। ओरियन निहारिका पृथ्वी से कितनी दूरी पे है, जो ओरियन निहारिका है वो 1400 प्रकाश वर्ष की दूरी पे स्थित है। ठीक, चलिए आज बात करते हैं अब समाचार में स्थान बोजना कोंडा के बारे में। अगर इसकी बात करें टॉपिक चर्चा का विषय क्यों रहा है, क्या इसके प्रकार है, ऐतिहासिक इसके महत्व क्या है, इसको लेकर बात करने पहले देख लेते हैं कि इसके स्थान को लेकर। अगर इसके स्थानों की बात करें तो यह भारत के आंध्र प्रदेश जो स्थान है विशाखापट्टनम के पास क्या है स्थित है। ठीक, प्रकारों की बात करें तो वो जो भुजन्ना कुंडा है इसमें प्राचीन बौद्ध की विरासत और कुछ पुरातात्विक स्थल है। ऐतिहासिक महत्व की चर्चा करें तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है और इसमें दो प्राचीन मठ भी क्या है शामिल है। भुजन्ना जो कुंडा है या जो जो लिंगला मिट्टा है या क्या है, दो प्राचीन बौद्ध मठ इसी में शामिल है जो कि 3री शताब्दी द्वारा क्या किया गया था, इसको बनाया गया था। ठीक, अगर इसकी मुख्य स्तूपों की बात करें जो जो भुजन्ना कुंडा स्तूप है तो बात करें तो यहाँ पे कई सारे पकी हुई ईंटों का जो है यहाँ पे निर्माण किया गया है जिनसे इसी ईंटों के चट्टान पे नक्काशीदार संरचना की गई है और बुद्ध की मूर्तियों क्या किया गया है सुसज्जित किया गया है। अखंड स्तूपों की बात करें तो साइट के दूसरे भाग जिसको जो लिंगला मिट्टा ये चट्टानों काटकर बनाए गए जो अखंड स्तूपों की पंक्तियां होती हैं वह इसमें शामिल है। बौद्ध चरण की बात करें तो जो भुजन्ना कुंडा है ये 3 बौद्ध चरणों के तत्वों को प्रतिनिधि करता है। ठीक, यहाँ पे थेरवाद महायान और ब्रजयान क्या होता है शामिल है। ठीक है, और ये शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण को अधिक भक्तिपूर्ण रूप से क्या करता है, बौद्ध धर्म के विकास को यहाँ पे दर्शाता है। पुरातात्विक विशेषताओं की बात करें तो स्थल स्तूपों और चट्टानों को काट के बनाई गई है। गुफाओं को देखा जाए तो यहाँ पे ईंटों की संरचनाओं का भी प्रयोग किया गया है। प्रारंभिक ऐतिहासिक मिट्टी के बर्तन तथा 1री शताब्दी ईसा के जो सातवाहन सिक्के के लिए भी इसको जाना जाता है। ठीक, अगर अन्य बौद्ध स्थल के बारे में बात करें तो यहाँ पे विशाखापट्टनम के जो क्षेत्र है जिसको बोलते हैं थोतला कुंडा और अप्पी कुंडा बावी कुंडा, यह सब भी क्या है कि यह सब भी बौद्ध स्थलों के लिए नाम से जाने जाते हैं। ठीक, चलिए अब प्रश्नों की श्रृंखला में उसके उत्तरों की एक बार देख लेते हैं कि क्या आपके प्रश्नों के उत्तर क्या है। तो हाल ही में जो भारत की ड्रोन शक्ति प्रदर्शनी 2023 है यह उत्तर प्रदेश में आयोजित की जा रही है। दूसरे प्रश्नों की बात करें तो 27वीं सड़क जो कांग्रेस की मेजबानी है यह चेक रिपब्लिक द्वारा किया जा रहा है। और आपके तीसरे प्रश्नों की श्रृंखला के उत्तर की बात करें तो यहाँ पे किसी देश की जो महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 का स्वर्ण पदक क्यों जीता था, तो वह भारत की महिला टीम ने। ठीक, चौथा जो प्रश्न था कि किस कंपनी ने इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो यह है फोन पे के द्वारा क्या किया इसको लॉन्च किया गया है। इस तरीके से यहाँ पे हमने सभी टॉपिक को कवर कर लिए। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक आप सभी का धन्यवाद। यूं ही अपना प्यार बनाए रखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।